जाबिर मेडिकल कॉलेज में ग्रैंड सीपीसी जो महीने में एक मरतबा होती है। आज का टॉपिक था हेडेक, जो एक बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत कॉमन इलामत है और बहुत सारे लोगों को हेडेक होता रहता है। ये बहुत बिनाइन यानी गैर नुकसानदेह भी हो सकती है, लेकिन कुछ हालात में ये बहुत बड़ी बीमारी का इलामत भी हो सकती है। जिस तरह खुदा न खासा अगर सर के अंदर कोई ट्यूमर हो, ग्रोथ हो, कैंसर हो, तो वो मरीज़ भी सर दर्द के साथ आते हैं, और अगर बेख्वाबी हो, परेशानी हो, एंजाइटी हो, तो वो मरीज़ भी सर दर्द के साथ आते हैं। ENT के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सर दर्द होते हैं, जिसमें कॉमन जो आज डिस्कस हुआ है वो है साइनस का प्रॉब्लम, नाक के जो मसले होते हैं और इसके साथ जो मुंसलिक साइनसेस होती हैं उसमें कोई मसले होते हैं, उसके साथ हेडेक्स आते हैं। सो हेडेक का जो भी पेशेंट आए और उसको हम देखने के बाद अगर हमें लगे कि इसका ENT प्रॉब्लम है, हम डील करते हैं, वरना तो अगर हमें लगे कोई और प्रॉब्लम है जैसे आंखों के मसले या न्यूरो सर्जिकल इश्यूज या इस तरह कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये हेडेक होता है, तो हम उसको उधर रेफ़र कर देते हैं। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बंच ऑफ नॉलेज मिल रहा है इस पर। इसमें असल की बात ऐसी होती है कि यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये कौन सी स्पेशलिटीज का होता है। लेक्चर अगर सही से सुनो तो कुछ के सारे क्वेश्चन, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आज मैंने सुना था, सही से मुझे आ रहे थे सारे क्वेश्चन, तो मैंने सेकंड पोजीशन दी है क्विज में और मैं बहुत खुश हूँ।